गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया दौरे के दौरान मछुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम में मछुआ कृषकों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मछुआ कृषक परंपरागत मछली पालन के साथ उन्नत एवं आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर मछलियों की ऐसी किस्मों का भी उत्पादन करें जिससे अधिक आय हो। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय मछुआ प्रशिक्षण के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआ कृषकों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झींगा मछली के उत्पादन से किसानों को 2 से 3 गुना अधिक आय प्राप्त हो सकती है। मछुआ कृषक वर्षों से परंपरागत रूप से मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। समय की मांग है कि मछुआ कृषक मछली पालने के क्षेत्र में उन्नत एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ऐसी किस्मों की मछली का उत्पादन करें जिससे अधिक उत्पादन के साथ अधिक आय भी हो सके। गृह मंत्री ने कहा कि जिले में झींगा मछली पालने के लिए अनुकूल वातावरण होने के कारण मछुआ कृषक झींगा मछली का पालन कर 4 गुना अधिक आय ले सकेंगे। इसके लिए मछली पालक विभाग द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी ज्ञान के साथ झींगा पालन हेतु हर संभव सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर मछली पालन के लिए जलाशय पट्टा 10 वर्ष के लिए दिया गया। इसके साथ ही इकाई स्थापित करने हेतु 90,000 की अनुदान राशि सहायता के रूप में दी गई। नरोत्तम मिश्रा ने 2-2 प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता भी दी। हम परंपरागत रूढ़िवादी तरीके से अपने उत्पादन को करते रहते हैं, जबकि बदली हुई परिस्थिति में अनेक प्रजाति ऐसी आ गई और अनेक टेक्निक ऐसी आ गई है जिससे हम उतने ही समय में उतने ही तालाब में हम अपनी आय को 4 गुना तक कर सकते हैं, 2 गुना नहीं 4 गुना तक। लेकिन अपनी आदत ऐसी हो गई है, जैसे मैं खेती के बारे में कहता हूं कि मेरे पिताजी धान करते थे तो मैं भी धान कर रहा हूं, वो गेहूं करते थे तो मैं भी गेहूं कर रहा हूं, और एक निकम्मे टाइप की जैसी कुछ लोगों की आदत हो जाती है, आप तक तो उनमें से नहीं हो, पर उस टाइप की आदत ना हो जाए। हमें उन्नत तकनीक का सहारा लेना चाहिए और इसमें जो नई वैरायटी आ गई उन वैरायटियों को भी पैदा करना चाहिए। अच्छा, मस्ती और मुझसे कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज। सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।